फ्टरनून सो लास्ट जो स्टैंडर्ड हम लोग ने पढ़ा था वो लास्ट एस ए फोर फिफ्टी तक हमने बात करी थी और अब हम लोग बात करेंगे एस ए नंबर फाइव हंड्रेड ऑडिट एविडेंस के बारे में राइट वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज जो भी हम लोग शुरू करने वाले हैं एस ए फाइव हंड्रेड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर इसके अंदर क्या क्या आएंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड टू एंड पूरा स्टैंडर्ड हम लोग समझेंगे पूरा उसकी समरी भी बनाएंगे इंटरेस्टिंग कलरफुल चार्ट्स भी बनाएंगे इसके राइट सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डी अबाउट एस ए नंबर ध्यान से सुनना पहले जब हम लोग बात करें ऑडिट एविडेंस की एक चीज तो आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है कि वॉट इज ऑडिट एविडेंस हम लोग ऑडिट एविडेंस किसे कहते हैं ऑडिट एविडेंस बेसिकली मीन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन विच द ओपिनियन इज बेस्ड क्या कहेंगे बच्चों एविडेंस क्या है ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन विच द एविडेंस ऑन द विच द ओपिनियन इज बेस्ड इज कॉल्ड वॉट ऑडिट एविडेंस राइट सो अब यहां पर हम लोग क्या इस एस ए फाइव हंड्रेड में लिखा हुआ है लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड रीड समाइस एंड देन गो अड एस ए फाइव हंड्रेड ऑडिट एविडेंस

एक तो सबसे पहले ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है यह बताएगा व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट इंक्लूड्स व्हाट इज देयर इन ऑडिट एविडेंस नंबर टू इसके हिसाब से व्हाट इज द ऑडिटर्स दिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर सो एज टू ऑपटेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट ऑडिट एविडेंस राइट आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव आर टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स इन सच अ वे

ऑल दी इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑडिटर ऑडिटर फॉर्म्स एंड ओपिनियन सही बात है यह है ऑडिट एविडेंस पॉइंट नंबर वन जो अभी तक वो जो जितना भी हमने पढ़ा इससे यह मतलब निकलता है उसका कि इट इज वॉट दिस ऑल इंफॉर्मेशन और ये जो ओपिनियन है वो हम लोग ओपिनियन कैसे देते हैं वी ऑल नो वी गिव वॉट ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब ये कौन सा ओपिनियन एब्सोल्यूट या रीजनेबल रीजनेबल सो ये जो ओपिनियन है ये कैसा है रीजनेबल ओपिनियन है मतलब ये कंक्लूजन कैसा है अपना रीजनेबल कंक्लूजन है इसीलिए वो हमेशा क्या, क्या कहते हैं टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन क्या कहता है टू ड्रॉ रीजनेबल क्योंकि अपना ओपिनियन कैसा है रीजनेबल इट इज नॉट वॉट एब्सोल्यूट सिंपल सी बात है उसके बाद हमें जो एविडेंस चाहिए वो एविडेंस वो क्या कहता है कि एविडेंस सफिशियंट एंड अप्रोप्रियट सो हम लोग इस एसे के माध्यम से क्या करने वाले वी विल परफॉर्म सर्टन ऑडिट प्रोसीजर्स जो ऑलरेडी हम लोग ने ऐसे नंबर थ्री थर्टी रिस्पॉन्स टू रिस्क उसमें कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करी थी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स सो वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करके हम लोग जो ऑडिट एविडेंस लेने वाले हैं वो कौन सा ऑडिट एविडेंस होगा इट विल बी सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सो बेसिकली हमको इस स्टैंडर्ड में ये दो बातों को अचीव करना है एक तो हमको ओपिनियन देने आना चाहिए ओपिनियन देने के लिए एविडेंस चाहिए एविडेंस कैसा होना चाहिए सफिशिएंट एंड एंड्रोप्रियट सिंपल इजी एकदम यही कहता है ऐसे 500 ध्यान में रखना यही बातें आपको एमसीक्यूज में इंक्लूड हो जाएगी ऑडिटर नीड्स ऑफ एविडेंस विच सफिशिएंट अप्रोप्रिएट बोथ ईदर ऑफ ए और बी सो इधर सफिशियंट या अप्रोप्रिएट चाहिए या बोथ सफिशियंट अप्रोप्रियट चाहिए बोथ सफिशियंट अप्रोप्रियट एविडेंस इज वॉट इंफॉर्मेशन डेटा Anything, क्या It is information, information right. so, क्या कहेंगे? क्योंकि के पे पे लिए जाते हैं, है इस इस का कि इस कदर हम लोग हमारे करेंगे विच विल ऑडिट एविडेंस सेम चीज है so, आइए देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है क्या क्या चीजें यहां पर लिखी हुई है एकदम मस्त पढ़ते हैं इसको। फिशियंट एंड्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ध्यान में रखना बहुत ही बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स को अपन एकदम कॉम्पैक्ट करके मस्त तरीके से प्रेजेंट किया उसको सो सो रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या है उसकी फर्स्ट एज पर एस ए फाइव हंड्रेड ऑब्जेक्टिव और स्कोप देख लिया अब रिक्वायरमेंट क्या है क्या होना तो वो कहते हैं ऑडिटर ने अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिट प्रोसीजर्स जो उन्होंने एस ए नंबर थ्री थर्टी में करी थी रिक्वायरमेंट ये है कि 330 में जो भी आप काम करोगे 330 में वो काम करने के बाद आपने जो एविडेंस लेना है वो कैसा लेना है सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है खत्म हो गया और कुछ भी नहीं है इसके अंदर सेकेंड आप देखो जैसे अपन ने ऊपर लिखा था वॉट इज ऑडिट एविडेंस हमने क्या कहा था एविडेंस क्या है इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस क्या कहा था वॉट इज एविडेंस इंफॉर्मेशन सो so, कौन सी इंफॉर्मेशन हम लोग कंसीडर करेंगे एज ऑडिट एविडेंस क्या क्या बातें उसके लिए ध्यान में रखेंगे सेकेंड पॉइंट सो विच इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस वेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स ऑब्वियसली एज पर इस नंबर थ्री थर्टी राइट दस कंसिडर नंबर वन क्या अभी क्या क्या देखना है अपने को इंफॉर्मेशन के बारे में सो so, सबसे पहले दिस इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस सो so, अपनी इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए रेलेवेंट भी होनी चाहिए और रिलायबल भी होनी चाहिए सो so, अगर हम लोग देखें यहाँ पे बात करें कि अपना ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए सो फर्स्ट वो एकदम सिंपल भाषा में कहता है कि इट शुड बी रेलेवेंट एंड रिलायबल अब इसका मतलब क्या होगा सर रेलेवेंट का मतलब क्या होता है इट शुड बी वॉट रेलिवेंट मतलब अगर मैं कहूँ आपसे सो रेलिवेंट का मतलब होता है इट शुड बी कनेक्टेड शुड बी असोसिएटेड उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए जो भी एरिया हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं उससे जो इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं रिलेवेंट होनी चाहिए अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल एन एक्सपेंसिस को वेरीफाई कर रहा हूं एकदम सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं एबीसी लिमिटेड के टेलीफोन एक्सपेंसिस को वेरीफाई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे लिए एविडेंस इन्फॉर्मेशन क्या है टेलीफोन बिल सो वो टेलीफोन बिल मेरे लिए एविडेंस है बट वो एविडेंस एबीसी लिमिटेड के नाम पे नहीं है बट पी क्यू आर एक्स वाइजेड किसी और के नाम पे है तो मुझे वो एविडेंस का कोई मतलब है क्या बच्चों नहीं मुझे कोई भी फायदा नहीं है उस एविडेंस का सो so इसीलिए मैं क्या कहता हूं मैं यहां पे क्या कह रहा हूं हाँ. मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि मुझे एविडेंस कैसा चाहिए तो वो रेलेवेंट होना चाहिए जो एरिया में वेरीफाई कर रहा हूं जो ऑर्गेनाइजेशन का मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं वो उससे रेलेवेंट होना चाहिए And not only relevant, वो क्या कहता है, relevant के साथ साथ it should be also what reliable. We have studied that evidence varies in reliability. हम लोग ने क्या पढ़ा है बच्चों? We have studied that evidence varies in what reliability. Try to understand इसका मतलब क्या है? When we say evidence varies in reliability, so there are different types of audit evidence. जैसे हम लोग बात करें, so types of audit evidence की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, So, एक हम लोग देखते हैं कि एक एविडेंस होता है बेस्ड ऑन द सोर्स बराबर एंड सेकेंड ऑडिट एविडेंस होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर सोर्स के हिसाब से अगर देखे अपन सो so उसमें दो टाइप के होते हैं एक होता है इंटरनल ऑडिट एविडेंस और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस नेचर के हिसाब से देखें अपन तो नेचर के हिसाब से तीन टाइप के होते हैं एक होता है विजुअल फिर एक होता है ओरल और तीसरा होता है डॉक्यूमेंट्री सही है ना एकदम यस सो डिपेंडिंग अपॉन सोर्स डिपेंडिंग अपॉन नेचर अलग अलग टाइप के ऑडिट एविडेंस होते हैं सो ऑब्वियसली उनका रिलायबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग हो जाएगा जैसे हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले जो रिलायबल होगा वो कौन सा होगा एक्सटर्नल क्योंकि बाहर वाले कुछ गड़बड़ थोड़ी करेंगे एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू इंटरनल बराबर सो so हमें एविडेंस चाहिए तो reliability criteria अपने को देखना पड़ेगा Number one, when we talk about external, second, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे Let's talk about internal. यह हो गया सोर्स में अगर नेचर मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसका फीचर उसका फॉर्म क्या अगर बात करें तो विजुअल एंड ओरल हम लोग कह सकते हैं ऑडिटर ऑप्टेंड हिमसेल्फ तो किसी और ने दिया है मुझे और मैंने खुद ने प्राप्त किया है विच इज मोर रिलायबल अपन ने खुद ने जो प्राप्त किया वो बराबर है कि नहीं उसके बाद ये ऑप्टेन हिमसेल्फ ये ज्यादा रिलायबल है उसके बाद डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री या ओरल अब इन दोनों में कौन सा रिलायबल है कभी भी कहेंगे डॉक्यूमेंट्री और ये जो डॉक्यूमेंट से ये भी कैसे हो गए रिलायबल अगर ये ओरिजिनल हो गए तो आई बात समझ में So, हमें मालूम है कि एविडेंस जो है उसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है इसके ऊपर बराबर सो so, हमें रिलायबिलिटी भी देखना है सो so, आप जो भी ऑडिट एविडेंस इस्तेमाल करेंगे वो कैसा होना चाहिए बच्चों वो होना चाहिए रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज एज ऑडिट एविडेंस राइट उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने दिया है आपको बोलो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस तो होना चाहिए ही इसमें कोई दो राय नहीं है बट सफिश एंड अप्रोप्रिएट के साथ साथ ये कैसा होना चाहिए रेलेवेंट भी, भी अगर आप सफिशियंट अप्रोप्रिएट ले तो यही आपके और एमसीक्यू के ऑप्शन बनते जाएंगे फिर बराबर इट शुड बी वॉट सफिशियंट एंड इट शुड बी रेलिवेंट एंड रिलाट तो होना च होना बट उस साथ ही साथ रेलेवेंस एंड रिलायबल भी होना आई बात समझ में यस सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वेन वी से अप्रोप्रियट बच्चा जब हम लोग अप्रोप्रियट की बात करते हैं ना तो अप्रोप्रियट मतलब ही हम लोग बात करते हैं अबाउट वॉट रेलिवेंस की अप्रोप्रियट होना मतलब रेलेवेंट होना बराबर की नहीं बस वो रेलिवेंट के साथ साथ अब यहां पे वो क्या बोलता है और कि वो रिलायबल भी होना चाहिए ही बात है उसके बाद एविडेंस की और क्या खास बात कहते हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट वो रिलेवेंट एंड रिलायबल होना चाहिए नंबर थ्री पॉइंट अगर वो एविडेंस आपको किसी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने दिया है कौन मैनेजमेंट का एक्सपर्ट जैसे कौन होगा मैनेजमेंट का एक्सपर्ट सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कोई इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट के एडवोकेट से आई होंगी कोई मैटर लिटिगेशन में होगा डिस्प्यूट में होगा अपने को उसकी लाइबिलिटीजेंट लाइबिलिटी दिखानी है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको फ्लो ही है किससे एडवोकेट से, से. बराबर वो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो गया कोई मैनेज कोई क्लाइंट का एक्चुअली होगा जिसने ग्रेचुअटी कोई वैल्यूअर है कोई आर्किटेक्ट है जो मैनेजमेंट ने लगाया है वो तो वो लोग कौन हो गए वो लोग हो गए मैनेजमेंट के एक्सपर्ट कौन हो गए बच्चों मैनेजमेंट के एक्सपर्ट एंड फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से आपको इंफॉर्मेशन फ्लो हुई है आपके पास आई है वो इंफॉर्मेशन आपने सीधा सीधा आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन कर लेना क्या नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा ऐसे 500 उसके बारे में क्या कहता है देखिए द ऑडिटर शाल टू द एक्सटेंड नेसेसरी हैविंग रेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एक्सपर्ट वर्क फॉर द ऑडिट पर्पज सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि वो जो एक्सपर्ट है उसके पास वो काम करने की क्षमता कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस नॉलेज है या नहीं है सो so उसमें वो कॉम्पिटेंस होना चाहिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए एंड थर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही शुड बी वॉट ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब क्या बेसिकली उसने बायस्ड नहीं होना चाहिए उसने इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो क्लाइंट के साथ मिक्स करके उसने कुछ गलत ओपिनियन नहीं देना चाहिए इन फेवर ऑफ द क्लाइंट उसने जो है वो फैक्ट उसने वो बताना चाहिए ही शुड बी ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी वॉट क्या बोलते हैं उसको पार्शल टूवर्ड्सुड बी वॉट इम पार्शल बराबर सो यहां पर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से अगर कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है और वो इंफॉर्मेशन हम लोग को एज एन ऑडिट एविडेंस यूज करना है सो so हम भैया सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो कॉम्पिटेंट है क्या वो आदमी क्या वो केपेबल है क्या वो और लास्ट में क्या वो काम उसका ऑब्जेक्टिवली किया है या नहीं उसके बाद फिर वी विल अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट ऑब्वियसली अंडरस्टैंड क्यों लेंगे टू इवेल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर द रिलेवेंट असरशन सर समझ में नहीं आए हैं दो पॉइंट ट्राई टू अंडरस्टैंड उसका काम हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि उसने जो वो काम किया है पहली चीज तो, तो वो क्या हमारे ऑडिट से रिलेवेंट है क्या हमारे लिए वो काम आएगा या नहीं आएगा और फिर उसके बाद जो भी असर्शन हम लोग चेक करना चाहते हैं हम लोग अगर मान लो असर्शन चेक कर रहे हैं कौन सा लेट अस से दी असर्शन ऑफ व्हाट वैल्यूएशन बराबर के नहीं तो वैल्यूएशन के लिए क्या भैया वो काम यूज होगा क्या एक्चुअली का आर्किटेक्ट का बराबर के नहीं या हम लोग असर्शन यूज कर रहे हैं कौन सा लेट अस से मेजरमेंट का कि करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है तो वो लिटिगेशन का बाबा कौन से पीरियड में रिकॉर्ड करना है जो भी हम लोग मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से काम यूज कर रहे हैं क्या उनका काम वो स्पेसिफिक असर्शन को चेक करने के लिए हमें उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है आई बात समझ में यस सो फर्स्ट पॉइंट हमने जो देखा वो था कि एविडेंस होना चाहिए सफिशियंट एंड अप्रोप्रियट सेकेंड पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो एविडेंस जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो एविडेंस कैसा होना चाहिए नंबर वन रिलेवेंट एंड रिलायबल नंबर टू वो जो इंफॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के थ्रू अगर फ्लो होती है तो वो हमें क्या देखना है कि वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए केपेबल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसका अप्रोप्रिएटनेस देखना है और वो उस अस आकर्षण को सूट होता है या नहीं होता है राइट right. सो so, यहां से अब आगे बढ़ते हैं थर्ड बुलेट पॉइंट क्या कहता है व्हेन यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाई दी एंटीटी मतलब क्या है ये सोर्स कहां का है ये इंटरनल जो हम लोग बात कर रहे थे ना अभी तक कि एविडेंस जो है एक तो इंटरनल होगा या तो एक्सटर्नल होगा एक मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के थ्रू फ्लो हुआ अब दूसरा तुमने ही उसको प्रोड्यूस किया हुआ होगा तो सो so, क्या लिखा हुआ है यहां पे वेन यू हैव इट सेल्फ प्रोड्यूस्ड दैट इज द दी इंटरनली जनरेट हुआ है फॉर एग्जांपल कौन सा बच्चों अपना सेल्स इन हम लोग खुद जनरेट करते हैं बराबर जब हम लोग परचेस करते हैं तो हम लोग अपने इसमें जी में एंट्री करते हैं। तो जी आर अपने खुद ने जनरेट किया हुआ है बराबर हम लोग जब परचेस के लिए ऑर्डर देते हैं तो परचेस ऑर्डर हम लोग खुद जनरेट करते हैं सो so, ऐसे बहुत सारे एविडेंस क्या होता है हम लोग खुद से जनरेट करते हैं देन द ऑडिटर शाल इवेल्यूएट वेदर द इंफॉर्मेशन इज सफिशियली रिलायल सफिशियंटली रिलायबल फॉर द ऑडिटर्स पर्प क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनल है कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है तो मेन अपना जो फोकस होगा वो कहां पे होगा कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है ओके राइट सो यहां से आगे बढ़ते हैं सो so, रिलायबल है क्या नहीं उसके लिए चेक करना क्या क्या होगा सो so, उस इंफॉर्मेशन को अपने चेक करना है टू दी एक्सटेंट अबाउट इट्स एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस जो भी रिकॉर्ड किया गया है वो करेक्टली रिकॉर्ड किया गया है ना और सिर्फ करेक्टली नहीं वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया गया है या नहीं जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल जैसे हम लोग जी आर एन गुड्स रिसीट नोट जब मटेरियल परचेस करते हैं इनवर्ड होता है तो हम लोग जी आर एन एंट्री करते हैं सो so, हम लोग देखना है कि वो एक्यूरेसी, कि जितना मटेरियल परचेस करा है उतना ही मटेरियल उन्होंने इनवर्ड में लिखा हुआ है या नहीं सेकेंड पॉइंट कंप्लीटनेस कि जितना भी साल भर में इनवर्ड आया है वो आपने बराबर से रिकॉर्ड कराया या नहीं करा सो so, हम लोग को दो बातें देखनी है अगर तुम खुद बना रहे हो तो जो भी मैनेजमेंट आपको दे रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए बस खत्म एंड देन वेदर इट इज आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जितनी जरूरी है वो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए सो so, बच्चों ये बात है सो so, अगर अपन देखें तो यहाँ पे एविडेंस के बारे में अगर बातचीत करें सो so, क्या क्या कहता है एविडेंस के बारे में बातचीत करना है तो बहुत ही सिंपल है कहानी क्या कहता है सबसे पहले भैया एविडेंस होना चाहिए सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट वॉट इज एविडेंस कि जिसके ऊपर हम लोग अपना रीजनेबल कंक्लूजन अपन दे देते हैं सो so, इन्फॉर्मेशन जो हम लोग ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज करने वाले हैं उसमें क्या क्या, क्या बातें अपने को देखनी है तो क्या क्या देखना है अपने को वो रेलेवेंट और रिलायबल होना चाहिए वेरी सिंपल अगर वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने जनरेट करी है तो वो एक्सपर्ट का कॉम्पिटेंस केपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी देखना है वो क्या उस अस्तर्शन को सूट करता है या नहीं वो देखना है अपने को एंड फिर उसके बाद अपने को उस एरिया का अंडरस्टैंडिंग भी लेना पड़ेगा उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन कोई एविडेंस एन के अंदर से ही जनरेट हुआ हुआ होगा सो हमें क्या देखना पड़ेगा कि वो इंफॉर्मेशन बच्चों कंप्लीट है ना वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है ना और वो इंफॉर्मेशन सफिशेंटली प्रिसाइज है या नहीं है सो दैट वी कैन फॉर्म आर ओपिनियन आई बात समझ में यस yes, सर फिर उसके बाद सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑपटेन ऑडिट एविडेंस क्या क्या देख रहे हैं सो वेन डिजाइनिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स याद है बच्चों so ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम लोग ने पढ़ा हुआ है इसको टेस्ट ऑफ डिटेल्स टेस्ट ऑफ डिटेल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ये फिर से कहां पे पढ़ा था एस ए में पहले हम लोग कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं बराबर के नहीं उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कंट्रोल्स बराबर से काम करते हैं या नहीं करते और वो थ्रू आउट द पीरियड बराबर से काम करते हैं या नहीं करते उसके हिसाब से हम लोग को कितने हद तक उसे चेक करना है वो हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम लोग डिसाइड करते हैं राइट सो उस केस में ऑडिटर ने ऐसे आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो आपके पर्पस को अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश होती हो जिसमें वेरी सिंपल एंड फिर अगर दो चार एविडेंस आपने लिए सिंस वी टॉक अबाउट एविडेंस सफिशिएंट एविडेंस मतलब क्या कहते हैं हम लोग एंड वी टॉक अबाउट सफिशियंट हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चों वो क्वांटिटी वाइज ज्यादा होना चाहिए बराबर कि नहीं एविडेंस लेना चाहिए सफिशियंट बट ट्राई टू अंडरस्टैंड सफिशियंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज वॉट अ सब्जेक्टिव टर्म सफिशेंसी इज वॉट अ रिलेटिव टर्म वो चेंज होता है पर्सन टू पर्सन कोई एक एविडेंस हम कहेंगे इट्स इनफ फॉर मी इट इज सफिशियंट वही उसके बारे में कोई दूसरा कहेगा इट इज नॉट सफिशियंट तो इसके लिए सफिशियंसी को जज करने के लिए यहां पे हम लोग तीन फैक्टर्स को देखते थे वो कौन सा होना चाहिए तीन फैक्टर में से पहला फैक्टर क्या होता है कि अगर वो एरिया मटेरियल है तो हम लोग ज्यादा एविडेंस ऑप्टेन करेंगे अगर उस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा एविडेंस यूज करेंगे फिर उसके बाद हम लोग देखते थे साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन साइज ज्यादा है तो एविडेंस ज्यादा लेंगे हेटरोजिनियस है तो कम लेंगे सॉरी हेटरोजिनियस है तो ज्यादा लेंगे होमोजिनियस है तो कम लेंगे सो so, ये सफिशिएंसी हम लोग ने देखी हुई थी बराबर तो अब यहां पे जब एक ए, एक एरिया के लिए अगर हम लोग अलग-अलग सोर्सेस से एविडेंस लेते हैं फॉर सिंपल एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट से कैश सो कैश का मैंने बच्चों फिजिकल एग्जामिनेशन करके एविडेंस लिया मैनेजमेंट से मैंने रिटन रिप्रेजेंटेशन लिया बराबर और उसके बाद मैंने रिकंसिलेशन भी किया मैंने एक ही चीज के लिए मैंने अलग अलग जगहों से क्या किया एविडेंस मैंने ऑप्टेन किया एंड फिर अगर उसमें अगर इनकं नजर आई तो मिसमैच नजर आया तो फिजिकल वेरीफाई किया तब 100 दिख रहा है बराबर के नहीं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में बोलता है 150 है रिकंसिलेशन किया तब मुझे दिखता है एट्टी है अरे भैया प्रॉब्लम है ना यहाँ बराबर के नहीं सो इफ देर इज इनकन्सिस्टेंसी तो मुझे डाउट आएगा बराबर के नहीं डाउट आएगा रिलायबिलिटी के ऊपर सो इफ देर इज इनकंस्टेंसी इफ देर इज अ डाउट इफ देर इज अ प्रॉब्लम ओवर रिलायबिलिटी सो वॉट टू डू सो आपने क्या करना है द ऑडिटर शाल डिटरमाइन वॉट मॉडिफिकेशन और एडिशन टू ऑडिट प्रोसीजर्स आर नेसेसरी टू रिजॉल्व द मैटर एंड शाल कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द मैटर इफ एनी ऑन अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट So, अपन ने और कुछ प्रोसीजर्स करना है क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स कुछ करने इन करके एक पे हम लोग आ सके। बात समझ में थर्टी से आपको दे रहा हूं फटाफट उसको गो थ्रू देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड एस नंबर फाइव जीरो वन द नेक्स्ट लॉट फटाफट एक बार वो स्टैंडर्ड को गो थ्रू करो huh? E aí, चलो गो थ्रू करो फटाफट ओके ओवर गाइस यस चलिए सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट 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 दैट अभी एसे फाइव हंड्रेड एकदम सिंपल छोटू सा स्टैंडर्ड था मजा आ गया पढ़ने में एक बार क्विकली रिकैप करते ऐसे फाइव हंड्रेड में क्या क्या पढ़ा भैया हमको एविडेंस क्या है इंफॉर्मेशन वो कैसा होना चाहिए सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट जब हम लोग उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिलेवेंट

हम लोग एविडेंस की बात करें वगैरह आई तो हम लोग को डिसाइड करना है कि और क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं वेरी सिंपल आगे बढ़ते हैं अगेन इट टॉक्स अबाउट ऑडिट एविडेंस ओनली ध्यान से सुनिएगा एस ए फाइव जीरो पे किसके बारे में बात करता है ऑडिट एविडेंस की ही बात करता है बट यहां पे हम लोग बात कर रहे स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स ध्यान से सुनना पांच सौ जो था ना फर्स्ट अभी जो पड़ा वो सबके लिए था मतलब तुम कोई भी एरिया चेक कर लो कुछ भी चेक कर लो तो उसके लिए आपको फाइव हंड्रेड लगाना है बट अब यहां पे स्पेसिफिक कंसिडरेशन हम लोग को ध्यान में रखने हैं फॉर सिलेक्टेड आइटम्स बेसिकली यहां पे तीन आइटम्स होंगे तीन आइटम्स कौन से कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट इन्वेंट्री किसके बारे में बात करेंगे इन्वेंट्री की सेकंड फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट लिटिगेशन एंड क्लेम्स की ठीक है लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट सेगमेंट इंफॉर्मेशन किसके बारे में बात करेंगे सेगमेंट इंफॉर्मेशन So, यहां पे सिलेक्टेड आइटम्स कौन से कौन से सो so, तीन सिलेक्टेड आइटम्स है नंबर वन इन्वेंट्री नंबर टू बोलो नंबर टू लिटिगेशन एंड क्लेम्स नंबर थ्री सेगमेंट इंफॉर्मेशन सो यहां पे हम लोग इन तीन आइटम्स के बारे में बातचीत करेंगे राइट चलिए सो फोकस करते हैं आगे सो ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स स्कोप ऑफ दिस एसे क्या लिखा हुआ है दिस एसे डील्स विद स्पेसिफिक कंसिडरेशन खास कहां पे ध्यान देना है किसने ऑडिटर ने इन ऑप्टेनिंग इन ऑप्टेनिंग सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेरी गुड सर क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है एसे 500 में कि अपने को एविडेंस कैसा चाहिए सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट सो ऑब्वियस सी बात है आगे चल के कोई भी एविडेंस हम लोग लिखे तो सफिशियंट एंड्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस आना बनता है एग्जाम में जब भी आप आंसर भी लिखो सो जस्ट डोंट राइट ऑडिटर शुड ऑप्टेन ऑडिट एविडेंस यू वॉट यू हैव टू राइट ऑडिटर शुड ऑप्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस वो आपके आंसर में वजन एड करेगा आई बात समझ में यस yes? सो so, अब यहां पर वो क्या कहता है विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन एस्पेक्ट ऑफ कौन से कौन से एस्पेक्ट है इन्वेंट्री लिटिगेशन एंड क्लेम्स सेगमेंट इंफॉर्मेशन आई बात समझ में तो यहां पे सिलेक्टेड आइटम्स कौन कौन से कौन से हो गए? इन्वेंट्री लिटिगेशन एंड क्लेम्स सेगमेंट इंफॉर्मेशन मेरे बच्चों ध्यान में रखना ये आपके लिए फिर एमसीक्यू बनेगा ये आपके लिए एमसीक्यू बनेगा कि भैया एस ए नंबर फाइव जीरो वन किसके बारे में बात करता है ऑप्शन ए इन्वेंट्री ऑप्शन बी लिटिगेशन एंड क्लेम्स ऑप्शन सी सेगमेंट इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी दबाउट एक अलग बात होगी इसके अंदर वो होगा ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्कस्ड अंडर एस आपको चार ऑप्शन देंगे उसमें के तीन ये चौथा कोई और एरिया होगा फिक्स एसेट्स बोल देंगे वो इन्वेंट्री नहीं बोलेंगे इन्वेंट्री तो होगा मालूम है अपने को बट कंफ्यूज करने के लिए फिक्स एसेट्स बोल देंगे बराबर के नहीं सो so, ऐसे कुछ आपको कंफ्यूजन करके आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं स्टैंडर्ड बेस्ड आई बात समझ में सो so, इसीलिए यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं एज पर वी टॉक ओनली अबाउट थ्री थिंग्स सो एफ कैन बी ऑल ऑफ दी दबाओ के ऑड वन आउट फाइंड आउट करने के लिए या स्पेसिफिकली एक पिक करने के लिए कि विच स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट मतलब एस एफ आई जीरो बारे में बात करता है आई बात समझ में सो इट कैन भी आपको बोलेंगे फिक्सड एसेट डेटर्स इन्वेंट्री एंड उसके बाद लोन्स ऐसे आपको बोलेंगे सो so, क्या होगा उसके अंदर आपको आपको स्पेसिफिकली इन्वेंट्री सिलेक्ट करना है आई बात समझ में राइट right. सो so, ये आपने लिए बहुत क्रूशल था एक नंबर का एमसीक्यू फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इस ऑब्जेक्टिव क्या क्या देखना है सबसे पहले हम लोग को फोकस क्या करना है एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन देखो पहले एक एक चीज है फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं इन्वेंट्री यस लिटिगेशन एंड क्लेम यस सेगमेंट इंफॉर्मेशन यस परफेक्ट है इसके बारे में बात करता है यही आइटम्स सिलेक्टेड इसी के बारे में तो पढ़ना है अपने को करेक्ट है ना सो so, अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे इन्वेंट्री के बारे में हम लोग को देखना है एकदम ध्यान से पढ़ना यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि स्पेसिफिकली कहां पे फोकस करना है अभी एक तो वो इन्वेंट्री है क्या सिर्फ होना जरूरी नहीं है उसका कंडीशन भी बराबर होना चाहिए सो व्हाट डू यू फोकस अपॉन द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री आई बात मतलब इन्वेंट्री में क्या देखना है सर वॉट स्पेसिफिकली डू वी नीड टू लुक इन टू इन्वेंट्री सो वो कहता है यू नीड टू लुक द एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री चेक द कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री दो बातें आपको देखनी है बोलो कंडीशन मतलब कि वो किस स्टेट में रखा गया फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे पास इन्वेंट्री है बराबर मतलब मैंने क्या चेक कर लिया येस सर द इन्वेंट्री इज वॉट इन एग्जिस्टेंस बट इन वॉट स्टेट इट इज इन वॉट कंडीशन इट इज मतलब अगर मैं कहता हूं कि बाबा मेरे पास बुक्स है बट वो बुक्स क्या है फट गई है बराबर या इट इज इन पूरा मतलब वो हो गई है बुक्स पानी में भीग गई है बुक्स तो अब वैसी इन्वेंट्री का ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा है क्या ऑडिटर जाएगा चेक करेगा हा इन्वेंट्री है एग्जिस्टेंस है बट उसका जो स्टेट है उसका जो कंडीशन है बराबर के नहीं किस तरीके से उसको रखा हुआ है वो भी तो देखना पड़ेगा ना बराबर तो वो कंडीशन देखेंगे मतलब अगर वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि नहीं है वो अपन सेलेबल गुड कंडी गुड कंडीशन इट इज इन गुड कंडीशन और वो किस तरीके से रखी वो को देखना है इन्वेंट्री so, को चेक करने के लिए उसके बाद लिटिगेशन एंड क्लेम्स की अगर बात करें सो so, जो भी लिटिगेशन देखेंगे litigation का मतलब क्या है, का मतलब क्या है, आराम से बट पहले आपने को क्या देखना है कंप्लीटनेस जो भी आपके अगेंस्ट केस चालू है बराबर तो वो केस के बारे में आपने पूरी तरीके से डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है कंप्लीट है कि नहीं वो फोकस करना है और तीसरा सेगमेंट इंफॉर्मेशन में वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की रिक्वायरमेंट है सेगमेंट इंफॉर्मेशन तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन आपने बराबर से प्रेजेंट किया है ना वो आपने बराबर से डिस्क्लोज किया है ना इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एक उस एरिया में आपको कुछ स्पेसिफिकली अलग देखना है सो दैट इज वॉट वी टॉक अबाउट इज द स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स इन्वेंट्री के लिए स्पेसिफिकली क्या देखोगे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन हाँ आप समझ में आ रहा है आपको स्पेसिफिकेशन वर्ड क्यों यूज किया इनवेंट्री के लिए स्पेसिफिकली क्या देखोगे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन सर स्पेसिफिकली बच्चों के लिए क्या देखेंगे उसका कंप्लीटनेस स्पेसिफिकली हम लोग सेगमेंट इंफॉर्मेशन के लिए क्या देखेंगे उसका प्रेजेंटेशन एंड उसका डिस्कलोजर आई बात समझ में आपको री गुड सो लेटस ट्राई टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड अब ये स्टैंडर्ड तीन हिस्सों में बटा जाएगा वो कौन से तीन हिस्से होंगे इन्वेंट्री ऑब्वियसली फिर उसके बाद लिटिगेशन एंड क्लेम्स वेरी गुड एंड देन अरे सेगमेंट इन्फॉर्मेशन हाँ ये सेगमेंट इंफॉर्मेशन करेक्ट यस बोलो आऊंगा अभी जो जो एक एक मतलब है ना सर इन्वेंट्री का मतलब क्या वो भी बता दूंगा लिटिगेशन क्लेम का मतलब क्या है वो भी बता दूंगा सेगमेंट इंफॉर्मेशन का भी मतलब बता दूंगा डोंट वरी एट ऑल कंप्लीटनेस मतलब जितने भी केसेस वो एक एक चीज जब डिस्कस करेंगे आ ही जाएगा वो बट फिर भी आप समझना है कंप्लीटनेस का मतलब कि जो भी लिटिगेशन है जो भी केस चालू है उनके बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट पूरी ऑल सारी इंफॉर्मेशन वो दी है क्या नहीं दी है वो अपने को देखना है उसका मतलब होता है कंप्लीटनेस करेक्ट एकदम यस सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्वेंट्री के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस बहुत मजा आ रहा है ये स्टैंडर्ड पढ़ने में वेरी इंटरेस्टिंग इट इज राइट बहुत भारी है ये इन्वेंट्री चलिए बहुत ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर मजा आएगा पढ़ने के लिए सबसे पहले पहले समझेंगे इसको फिर इसका एक सिंपल चार्ट बना लेंगे फिर इन्वेंट्री के बारे में बात करें तो ऑडिटर दस ऑप्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑसम मालूम है अभी मैं बार बार अभी उसको अंडरलाइन हाईलाइट करना है क्या अपने को नहीं अब बॉडी के अंदर फिट हो चुका है कि एवरी नाउ एंड देन वी नीड टू ऑपटेन वॉट सफिशियंट अप्रोप्रियट ऑडिट अब जबरदस्ती उसको बार बार अंडरलाइन मत करना ऑडिटर शैल ऑप्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री मालूम है यही तो ऊपर पड़ा था ऑब्जेक्टिव में तो यही तो रिक्वायरमेंट अचीव करेंगे राइट right. बट अब यहां से आगे चर्चा होती है हाउ ही विल डू दिस कैसे करेगा यह सवाल है अब पहले तो आपको एग्जिस्टेंस और कंडीशन का मतलब क्या है मालूम पड़ गया ना आपको एग्जिस्टेंस मतलब वो एसेट है या नहीं है कंडीशन मतलब वो किस स्टेट में रखा गया अ बैड स्टेट इज इन गुड कंडीशन और अ बैड कंडीशन ओके सर सो आपको ये वेरिफिकेशन करना है आप ये कैसे करेंगे आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट पॉइंट एकदम आराम से हा? एकदम सबसे पहले अगर एग्जिस्टेंस देखना है तो हमें वहां मौजूद होना चाहिए अभी एकदम स्टेप बाय स्टेप चलने का एकदम अच्छे से स्टैंडर्ड बहुत सिंपल करेंगे अपन राइट right? बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है मैं हूं ना सो so, क्या कहते हैं अपन यहां पे अटेंडेंस अगर भैया एग्जिस्टेंस देखना है लॉजिकली स्ट्राइक होना चाहिए एग्जिस्टेंस कैसे देखेंगे घर बैठे तो देख नहीं सकता ऑफिस में बैठ के देख नहीं सकता बराबर बोलना मत सर सीसीटीवी कैमरा लगा लेंगे चुप बैठो ठीक है so, सो यहां पे हम लोग को जाना होगा मौजूद होना होगा अटेंड करना होगा किसको फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन करेंगे रीजनेबल इंटरवल्स पे हम क्या करेंगे वहां जाएंगे देखेंगे बराबर से हो रहा क्या नहीं हो रहा जितनी इन्वेंट्री उन्होंने लिखी है उतनी इन्वेंट्री है या नहीं है हम लोग चेक करेंगे बट आगे लिखा हुआ है अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे क्या होगा अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल देखेंगे क्या कहते हैं बट बच्चों बेसिक अपने को समझ में आ गया क्या है कि हमें अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री चेक करना है अगर मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री चेक करना है तो मुझे वहां पे मौजूद होना चाहिए अनलेस इट इज वॉट इम्प्रैक्टिकेबल बराबर के नहीं इम्प्रैक्टिकेबल मुझे जमेगा ही नहीं नहीं जमेगा तो बात की बात है देख लेंगे बट पहले जमेगा तो भैया जाओ और अब यहां पे सवाल आता है ओ सर जाके करूंगा क्या मैं अटेंड कर लूंगा जाके करूंगा अब थोड़ा इसको स्टोरी के हिसाब से बनाना बस एक रूटीन बना लेना ये काम करना है करके तो इसको वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फील करना है इस चीज को ठीक है सो हमको इन्वेंट्री में क्या चेक करना है भैया एग्जिस्टेंस और उसका कंडीशन देखना है एग्जिस्टेंस देखने के लिए जाना पड़ेगा चले जाएंगे जाके क्या करोगे आओ पढ़ते सिंपल। फिर यहां पे हम लोग क्या देखेंगे मैनेजमेंट के लोग इन्वेंट्री वेरिफिकेशन काउंटिंग चालू है सो हमें क्या देखना है जो इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर जो इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर किसके लिए इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के लिए इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के लिए फिर उसे कंट्रोल करने के लिए बराबर कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग सो ए रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग बराबर ऑफ वॉट द रिजल्ट ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ठीक है ना इसको मैं एक काम करता हूँ रिजल्ट को अभी रेड बॉक्स में डालता हूं जरा ध्यान से देखना रिजल्ट और फिर अब एंटिटीज़ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग बराबर अब जरा ध्यान से देखना अब ऐसा सिंपल करेंगे ना कॉन्सेप्ट बहुत मजा आएगा जो ब्लू में अंडरलाइन करा हुआ है ना जरा उसके ऊपर गौर फरमाना मेरे को क्या करना है अटेंड करना है और फिर क्या चेक करना है जो भी मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन या प्रोसीजर दिए थे किसके लिए फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए ब्लू वाला पार्टशिप पढ़ना है मेरे को क्या करना है कि जो भी मैनेजमेंट ने बोलो बच्चों, जो भी मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो प्रोसीजर्स उनके लोगों ने फॉलो किया मतलब क्या हुआ कैसे हुआ मैं बताता हूं आपको आओ जरा इधर ध्यान दो मतलब कैसा हुआ ना कि जरा ध्यान से देखना एकदम अच्छे बच्चों जैसे ये क्या हुआ बॉक्स बॉक्स नहीं हुआ ये मान लो गोडाउन है गोडाउन है? है अब इस गोडाउन के अंदर अपनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है अभी मत लिखना कुछ इस गोडाउन के अंदर अपनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है बराबर इस इन्वेंट्री का अपने को दो बातें देखनी है क्या देखना है एक तो वो इन्वेंट्री है क्या और अगर है तो किस तरीके से है सही बात है सो so, ये अपने को चेक करना है ठीक है सर वेरी गुड अच्छे से लिखते हैं इसको जरा सो फर्स्ट वी चेक एग्जिस्टेंस सेकेंड वी चेक इज कंडीशन, राइट ओके फिर उसके बाद क्या होगा ये मुझे चेक करना है इन्वेंट्री एस एफ फाइव जीरो वन पॉइंट स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करता है, ठीक है जी यस yes, सर उसके बाद क्या होगा यहां पे एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए बराबर ऑडिटर को आना पड़ेगा बराबर ना भागते आएगा ऑडिटर देखो आएगा नहीं आए बुलाया उसको आ जाओ ऑडिटर आएगा ठीक है आया ऑडिटर अब यहां पे ऑडिटर आके वी सी दैट ही डूइंग यहां पे ऑडिटर है और इस ऑडिटर का ये एग्जिस्टेंस देखने के लिए अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है आ गया वो मौजूद है वहां पे, अटेंडेंस सो so, अब जब ये मौजूद है यहां पे तो भैया ये क्या देखेगा वॉट विल ही सी क्या देखेगा वो देखना पड़ेगा ना उसको कुछ so, सबसे पहले वो क्या देखता है कि ये यहां पे है ना कौन है मैनेजमेंट है ठीक है कौन है बच्चों ये यहां पे मैनेजमेंट ठीक है और यहां पे ये मैनेजमेंट के एम्प्लॉज है मान के चलो ये यहां पे उनके एम्प्लॉइज है सही बात है एकदम यस सर सो अब हुआ क्या मैनेजमेंट ने इनको कुछ तो भी बोला क्या बोला जो बोला वो दिए उनको इंस्ट्रक्शंस बराबर और इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये लोग काम करेंगे मतलब ये होंगे उनके प्रोसीजर्स आई बात समझ में ये किसके लिए होगा इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स क्यों होगा गोल क्या है गोल क्या है तो वो कहते हैं कि बाबा इन्वेंट्री का प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना जरूरी है बराबर के नहीं तुम जब नोट्स में अपना स्टोर्स लेजर में बराबर से इश्यूज इनवर्ड क्लोजिंग बैलेंस बराबर से होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस so, दिया जाएगा पहले रिकॉर्डिंग के लिए बराबर और सेकेंड आपको क्या करना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि भैया मैनेजमेंट क्या बोलेगा ए एम्प्लॉय बराबर से रिकॉर्डिंग करना समय समय पे फिजिकल वेरिफिकेशन करना हा ये कौन बोला मैनेजमेंट ने बोला किसको एम्प्लॉय को सो so, उसको बोला बराबर से रिकॉर्ड करना बराबर से फिजिकल वेरिफिकेशन करना अब इसके बेसिस पे इस एम्प्लॉय ने काम करना शुरू कर दिया मतलब उसने उसके प्रोसीजर्स परफॉर्म करना शुरू कर दिया टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हूं मैनेजमेंट जमी क्या बात बोलो आया ना हा फिर अब क्या होगा ये जब काम करेंगे रिकॉर्डिंग का फिजिकल वेरिफिकेशन का फिर इसका फाइनली रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा मतलब क्या एक्चुअल क्या काम किया है उन्होंने एक जो बोला था क्या काम करना है और एक एक्चुअली काम करने के बाद क्या हुआ वो सही बात है एकदम बोलो आया ना यस yes. सो so, अब मेरे बच्चों क्या कह रहे अपन जरा ध्यान से सुनना यहां पे ये रिजल्ट बराबर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट द रिजल्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट बराबर यह सब काम बराबर से हुआ कि नहीं हुआ ऑडिटर आएगा और यही देखेगा मतलब ये पूरा पूरा जो एक्टिविटी है ना ये. ये पूरा पूरा एक्टिविटी ऑडिटर साहब क्या करेंगे इसको इवेल्यूएट करेंगे क्या करेंगे इसको ऑडिटर विल इवेल्युएट दिस एंटायर टास्क इसको इवेल्युएट करेगा इसको क्या करेगा ऑडिटर वहां पे मौजूद के वो इस बात को इवेल्युएट करेगा आई बात समझ में ये भावनाएं थी उस लाइन के अंदर की ठीक है सो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन अभी तक एक्सप्लेन किया इवेल्युएट ध्यान देना इवेल्युएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन बराबर के नहीं एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ द एंटिटीज फिजिकल वेरिफिकेशन और फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग आई बात समझ में क्या करेगा जाके वो जमी बात यस नंबर टू फिर उसके बाद ये क्या करना है मेरे को इवेल्यूएट करना है अब दूसरा वहां जाके मुझे क्या करना है मतलब इवेल्युएट करना है मतलब आप समझे क्या कि ये जो है वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट बराबर से किया क्या नहीं किया वो मुझे इवेल्युएट करना है वो मुझे इवेल्युएट करना है बराबर और फिर उसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट भी क्या कहता है अभी आई हैव टू ऑब्जर्व दो काउंट प्रोसीजर्स तुम कैसे गिनते वो भी जाके देखेगा मैं पहले जो आपका रिजल्ट आया वो तो देखूंगा ही देखूंगा समझ पा रहे आप जो रिजल्ट आया ना वो तो देखूंगा ही देखूंगा बट जो आपने काउंटिंग कैसे किया था वो भी देखूंगा आई बात समझ में यस फिर उसके बाद ये दोनों जो है ये किसके लिए हो गया ये हो गया सर जी हमें एग्जिस्टेंस देखना था इसके लिए बराबर के नहीं फिर उसके बाद आगे जाके मैं क्या करूंगा इंस्पेक्ट करूंगा उस इन्वेंट्री को क्यों करूंगा इंस्पेक्ट इन्वेंट्री को क्योंकि मुझे इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस के साथ साथ मुझे क्या देखना है उस इन्वेंट्री का कंडीशन भी तो देखना है तो मैं उस इन्वेंट्री को चेक भी करेगा कि उसके अंदर इन्वेंट्री है क्या जैसे एक बार मैं कैडबेरी इंडिया लिमिटेड के गोडाउन का स्टॉक ऑडिट करने गया था अब कार्टन होते बॉक्सेस होते उसके अंदर चॉकलेट है या नहीं है वो थोड़ी दिखेगा आपको आप तो बक्सों से गिनोगे तो जब हमने उनको बोला ये बॉक्सेस भी खोलो तो कोई कोई बॉक्सेस में दिखा कि इन्वेंट्री मतलब दस अगर पीसेज होने चाहिए सिर्फ पांच है या किसमें खाली बॉक्सेस है सिर्फ सिर्फ पत्थर भर के रख दिए हुए बराबर है ऐसे कुछ भी हो सकता है सो so, हमको इंस्पेक्ट भी करना है कि वो इन्वेंट्री एक्चुअली है या नहीं है एंड फिर ये आप करोगे कैसे बेसिस पे बाय परफॉर्मिंग वॉट टेस्ट काउंट्स आई बात समझ में बोलो आया ना बोलो बच्चो यस yes. सो so मुझे क्या देखना है सबसे पहले एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन वो देखने के लिए मुझे वहां जाना चाहिए जाके मैं क्या देखूंगा मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स वो बराबर है कि नहीं है मैनेजमेंट किस तरीके से काउंटिंग करता है वो ऑब्जर्व करूंगा नंबर थ्री मैं खुद इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करूंगा अटेंड करके नंबर फोर में टेस्ट काउंट्स करूंगा सैंपलिंग बेसिस पे काम करूंगा आई बात समझ में यस yes, सर उसके बाद ऑल्सो आई विल परफॉर्म वॉट ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्डली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट मतलब किससे कंपेयर करूंगा उसको फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं अगर मैं आपको बताऊं सो so जो हम लोग फोकस कर रहे हैं ना ध्यान से देखना जैसे हम लोग एक है अपन स्टोर्स का एक तरीका ये मेंटेन करते हैं खुल जा भाई ये जैसे हम लोग एक मेंटेन करते हैं ऐसा कुछ आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि कितना इनवर्ड हुआ कितना आउटवर्ड हुआ बराबर और बैलेंस कितना बचा या तो यही आप लोग इसमें स्टोर्स लेजर में यही पढ़ते हैं ना आप लोग बोलते क्यों नहीं स्टोर लेजर में यही पढ़ते कितना रिसीट हुआ कितना इशू किया कितना बैलेंस बचा हुआ है so, सो ये आपका फाइनल इनवेंट्री रिकॉर्ड है बराबर ये रिकॉर्ड में लेके जाएगा बराबर और एक्चुअल में जहां पे इन्वेंट्री मौजूद है वहां पे उसके साथ में क्रॉस चेक करेगा बराबर कि जो तुम्हारे एक्चुअली रिकॉर्ड्स में है वो एक्चुअली वहां पे मौजूद है या नहीं सो बेसिकली व्हाट आई डू कंपेर द रिकॉर्डेड इन्वेंट्री विद द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री किसको किसके साथ कंपेयर करेगा रिकॉर्डेड इन्वेंट्री विद द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री कि वो दोनों बराबर से मैच होते हैं या नहीं होते हैं सिंपल एकदम कहानी यस yes. आगे बढ़ते हैं फिर क्या लिखा हुआ है कदम आई बात समझ में सो so, मुझे जाना है चेक करना है काम खत्म करना है राइट right? ओके okay. बट फिर आप अगर देखोगे क्या लिखा हुआ है कि आपके लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा था अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल तो इसको अभी तक कंसिडर किया ही नहीं ये जितने भी पॉइंट अपन ने ये और ये इतना देखा ना ये कब था ये पॉसिबल है तब बराबर कभी कभी आपको इम्प्रैक्टिकेबल है जा नहीं पाएगा इम्पॉसिबल नहीं लिखा इमप्रैक्टिकेबल है इम्पॉसिबल अलग है इम्प्रैक्टिकेबल अलग है बराबर के नहीं सो so, अब यहां पे क्या क्या है ध्यान से देखना इफ द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट अ डेट उस थर्टी फर्स्ट मार्च पे यूजली अपन करते हैं लेटेस्ट से बट वो मुझे पॉसिबल नहीं है क्या लिखा हुआ है यहां पर अब यहां पे ये सब जो काम मुझे करना है ना अटेंड करना है यूजली मुझे कब करना है एक तो आई डू इट ऑन व्हाट जो स्टैंडर्ड में लिखा है वो वर्ड यूज कर रहा हूं एज ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च इनवेंटरी यूजली इकतीस मार्च को चेक करते हैं बट अगर मान लो आपको ये थर्टी फर्स्ट मार्च को चेक करना पॉसिबल नहीं है इम्प्रैक्टिकेबल है आप नहीं जा सकते बराबर सो so ऑब्वियसली आप क्या करेंगे ऑब्वियसली वी विल चेक एट वॉट क्या करेंगे हम लोग वी विल चेक इट एट Any other date, big deal sir. कभी और देख लेंगे बराबर सो so, कभी और देख रहे हो तो कहानी एकदम सिंपल है आपको बस क्या करना है जो आपकी वो एनी अदर डेट है ठीक है ना आपकी वो एनी अदर डेट है बराबर और जो आपकी बैलेंस शीट की डेट है आपने बस क्या कर देना है उसको एनी अदर डेट और बैलेंस शीट डेट के बीच में जो भी इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन हुए थे उसको आप रिकंसल करके 31 मार्च का पोजीशन आप लेके आ जाओ सही बात है एकदम खलास पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पे इफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शाल इन एडिशन टू दबाउ प्रोसीजर्स Perform audit procedures to obtain audit evidence whether changes in the inventory between the count date and the date of financial statements are properly recorded. Aayi baat Bolo Yes, very simple. So, what do you karna highlight here? Last line पूरा. count date and date of financial statements. if the auditor is unable to attend. फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू अनफोर सर्कमस्टेंसिस अकस्मात कुछ ऐसा घटनाएं घट गई क्या आप 31 मार्च को अटेंड ही नहीं कर पाए बराबर के नहीं तो क्या करना होगा आपको आपको फिर से कोई दूसरी डेट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू ऑडिटर मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट्स ऑन एंड अल्टरनेटिव डेट एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन आई बात समझ में आपको सो so यह आपको क्या करना है चेंजेस इन ये वाला पार्ट आपको देखना है बराबर और अगर अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस को तो आपको वापस से अल्टरनेटिव डेट पे चेक करना है उसको अब कहता है इफ द अटेंडेंस इज वॉट इम्प्रैक्टिकेबल जमेगा ही नहीं आपको जा ही नहीं सकते मान लो वो यूएस में भेज रहा ही नहीं क्लाइंट बराबर इम्प्रैक्टिकेबल है तो आपने क्या करना चाहिए यू शुड परफॉर्म वॉट अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अगर ये इम है तो यू विल परफॉर्म वॉट अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स और अगर वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी पॉसिबल नहीं है तो आपको आपका ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर एस ए सेवन जीरो फाइव कौन सा देना है क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर डिपेंड करेगा जब अपन आगे पढ़ेंगे और जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन होगा उसके हिसाब से राइट एंड वेन The inventory is under the custody or the control of the third party, बराबर. So auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence, बराबर, about the existence and conditions from the third party by requesting confirmation and perform inspection or other audit procedures appropriate in the circumstances. सही एकदम? Yes. तो बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड था ये यहाँ पे. So जरा एक बार उसके ऊपर फोकस करते हैं अपन. एक सेकेंड है ओके सो okay. so, यहाँ पे ये वाला जो चार्ट है ये क्या क्या ध्यान में रखेगा ये जनरल बातें लिखी हुई है यहाँ पे। बराबर ये रेगुलर क्लासेस में भी बताया आपको इंटरमीडिएट के लिए बाकी आपने जो स्टैंडर्ड अभी आपने पढ़ा आप अगर देखोगे तो यही बातें हैं। ऑडिटर यहाँ पे अटेंड करेगा ऑब्जर्व करेगा कि क्या वो इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और जो रिकॉर्डिंग और कंट्रोलिंग है तो उसके लिए बराबर से रिजल्ट आए या नहीं आए सो ऑडिटर उसमें क्या देखेगा एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन और मैनेजमेंट के काउंट प्रोसीजर्स बराबर है या नहीं है सो so उसमें वो क्या देखेगा बैलेंस शीट डेट पर जाएगा या दूसरे डेट पर जाएगा यही तो था उसके अंदर सब कुछ राइट right? चलिए इसको लिख लीजिए चलो लिखो अरे ऐसे घुरने का नहीं ऐसे मेरी तरफ लिखना पड़ेगा पिक नो पिक लिखो शॉर्टकट नहीं है वर्चुअल में जो भी देख रहे हैं वो भी लिखिए उसको उसको फटाफट येस बाईस हुआ चलो लिखो लिखो डन ओके सो यहां पे हम लोग ने कंप्लीट किया किसके बारे में सो so, आपको ये सिंपल सा चार्ट हो गया ना अपना क्या हो गया ये बैलेंस शीट डेट एनी अदर डेट थर्ड पार्टी के पास होगा तो हम लोग क्या क्या करेंगे ये बात अपनी हो गई इसके साथ वी कंप्लीट विथ कौन सा बच्चों ऐसे कौन सा कदम किया अपन ने वी कंप्लीटेड ऐसे नंबर सॉरी एस नंबर 501 का फर्स्ट पार्ट अपन ने खत्म किया दैट इज लिटिगेशन सॉरी दैट इज इन्वेंट्री के बारे में बात खत्म कर ली एंड अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे किसके बारे में सेकेंड पॉइंट जो होगा कौन सा अपना लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में राइट सो एकदम छोटा सा है ये लिटिगेशन एंड क्लेम्स वेरी इंटरेस्टिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिगेशन एंड क्लेम मतलब क्या आप कोई डिस्प्यूट के अंदर हो आप कहा कोई डिस्प्यूट के अंदर हो किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया है बराबर तो आपके ऊपर किसी ने केस किया है आप जा रहे हो कोर्ट के अंदर कोर्ट कचेरी का, का मामला चालू है फाइटिंग चालू है सो so, उसे कहेंगे अपन लिटिगेशन लिटिगेशन मतलब हम लोग क्या कहेंगे देर इज वॉट डिस्प्यूट और इस डिस्प्यूट के वजह से आपको कितना हरजाना भुगतना पड़ता है बराबर जो कंपेंसेशन आपको पे करना पड़ेगा बराबर उसको अपन क्या कहते हैं क्लेम बराबर सो क्लेम रेफर्स टू व्हाट ओवर यर कंपेन्सेशन सो कोई भी लिटिगेशन या कोई भी क्लेम जिसके अंदर आपको लगता है क्या कि अपनी एंटिटी इन्वॉल्व है कोई भी लिटिगेशन और क्लेम के अंदर तो उसके बारे में हम लोग को चेक करना है कि वो लिटिगेशंस और उससे रिलेटेड क्लेम्स वो आपने कंप्लीटली दिखाए है या नहीं इसके लिए अपने को ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ेगी आई बात समझ में एकदम सिंपल है राइट right. सो so, आओ पढ़ते हैं शैल डिजाइन एंड परफॉर्म एकदम सिंपल रीडिंग करना है इसको ध्यान से बहुत सिंपल स्टैंडर्ड द शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स

जिसमें आपकी एंटिटी इन्वॉल्व है बराबर अगर उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट आता है तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है योर जॉब इज टू फर्स्ट आइडेंटिफाई देखिए पहले आपको क्या करना होगा आइडेंटिफाई करना होगा ऑडिट प्रोसीजर में फर्स्ट थिंग ध्यान से सुनना डायरेक्टली ये मत करने जाना कि ओ भैया वो कंप्लीट है क्या नहीं है बताओ पूरी तरीके से उसको डिस्क्लोज किया है क्या नहीं अरे बच्चा पहले आपने क्या करना है ढूंढना है कि ऐसा कोई लिटिगेशन एंड क्लेम है क्या जिसमें रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या कि वो भैया कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं किया हुआ होगा दैट इज अ रिस्क आई बात समझ में सो so पहले आपका फोकस कहां पे होना चाहिए उस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स आपने उसे आइडेंटिफाई करना है तो सर मैं इसे आइडेंटिफाई कैसे करूं आप बताओ सर हाउ डू आई आइडेंटिफाई इट वेरी सिंपल पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो है क्या मिनिट बुक्स पढ़ो पीसीडब्ल्यूजी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के हिसाब से बराबर उसके बाद आपका लीगल एक्सपेंस अकाउंट भी आप देखिए बात समझना एकदम मस्त लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है पहले आप क्या करो इंक्वायरी करो मैनेजमेंट के साथ कि वा कोई लिटिगेशन एंड क्लेम है क्या मैनेजमेंट से पूछो नंबर टू मिनिट बुक्स देखो

अपन मिनिट्स बुक देखेंगे और तीसरा लीगल एक्सपेंस अकाउंट देखेंगे यह पूरा चेक करने के बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे और फिर कहेंगे सेकंड पॉइंट में यहां पे कि वह लिटिगेशन या क्लेम है या नहीं है आपको पता चल जाएगा कहानी आगे कब बढ़ेगी अगर लिटिगेशन एंड क्लेम इफ इट हैज बीन आइडेंटिफाइड बराबर के नहीं और उसके अंदर इफ एनी ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेट दैट अदर मटेरियल लिटिगेशन और क्लेम्स एग्जिस्ट बराबर के नहीं सो द ऑडिटर इन एडिशन टू द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय अदर एसेस एक्सटर्नल कंफर्मेशन बराबर या जो भी जो भी करना है उसको ही विल डू वॉट अभी अपना काम शुरू होता है अगर मिल गया ना तो क्या क्या करना है चलो फटाफट -पड़ निपटा दे इसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एक्सटर्नल लॉयर से डायरेक्टली पूछने का भैया क्या मैटर है बताओ एविडेंस दो इंफॉर्मेशन दो कितना लाइबिलिटी आएगा हमारा हमको रिकॉर्ड करना है इन्होंने जितना दिखाया वो बराबर है या नहीं है डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ एक्सटर्नल लीगल काउंसिल ये कैसे करेगा इट विल बी डन थ्रू वॉट लेटर ऑफ इंक्वायरी खत लिखेंगे बराबर एंड रिक्वेस्ट दी एंटिटी दे नीड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विदर्नल लीगल काउंसिल बट आप क्या होता है कभी कभी कुछ कानून होते हैं जो ये एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को डायरेक्टली आपसे बातचीत करने नहीं देंगे बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एक्सटर्नल लीगल काउंसिल आप तो डायरेक्टली आपकी तो इच्छा है उनसे बात करें बट बार काउंसिल बराबर जो लॉयर्स का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनमें भी उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं मेंटेन करना पड़ेगा लॉयर थोड़ी ना सबको जाके बोल देगा क्या मैटर है अपना सही में नुकसान होगा नहीं होगा थोड़ी ना ओपनली बोल देगा ऑडिटर को और ऑडिटर सीधा डिस्कस करेगा प्रॉब्लम होएगा ना तो दे आर मे बी द लॉ इज प्रोहिबिटिंग द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू डू वॉट टू गिव द डिटेल्स अबाउट द केस सो इस केस में अगर उनका लॉ उनकी प्रोफेशनल बॉडी अगर प्रोहिबिट करता है सो ऑडिटर साहब ने क्या करना है अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे उसके बाद अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है टू गिव द ऑडिटर परमिशन टू कम्युनिकेट बराबर तो क्या करना चाहिए द ऑडिटर शुड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द लेटर ऑफ इंक्वायरी और इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग एंड इफ ऑडिटर इज अनेबल ही विल सी क्वॉट मॉडिफाई हिज ऑडिट ओपिनियन सिंपल सी बात है कौन सा ये वाला ना हाँ समझाता हूं एक थीम समझ में आया क्या बराबर सो so, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना है अभी राइट right? इसका भी अपन समरी बनाएंगे एकदम अच्छे से सो वी आर टॉकिंग अबाउट एस ए नंबर फाइव जीरो वन बराबर इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट वॉट टिगेशन एंड क्लेम्स सो लिटिगेशन एंड क्लेम्स में सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा वी नीड टू आइडेंटिफाई पहले सुनना फिर लिखना वी नीड टू डू वॉट फर्स्ट आइडेंटिफाई कि वो लिटिगेशन एंड क्लेम है या नहीं है कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर वन हम लोग सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछताछ करेंगे नंबर टू वी विल चेक व्हाट द मिनिट बुक्स बराबर के नहीं नंबर थ्री हम लोग रिव्यू करेंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट को किसको देखेंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट को सिंपल एकदम कहानी यस सर फिर यहां से दो बातें होगी एक तो आपको मिलेगा या तो आपको नहीं मिलेगा बराबर के नहीं सो so, अगर आपको मिला लिटिगेशन एंड क्लेम जिसमें आपको लगता है मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट सो व्हाट यू विल डू यू विल सीक टू कम्युनिकेट विथ The external legal काउंसिल सही बात है वो आपको इंफॉर्मेशन देगा और आप उससे कम्युनिकेट कैसे करोगे थ्रू वॉट लेटर ऑफ इंक्वायरी यहां पे फिर से दो बातें होगी एक तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे बराबर क्यों नहीं कर पाओगे बिकॉज लॉ और उनका जो प्रोफेशनल बॉडी है उनका जो लॉ या प्रोफेशनल बॉडी है ये क्या करता है प्रोहिबिट करता है टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद द आउटसाइडर्स तो इस केस में ऑडिटर साहब क्या करेंगे ऑडिटर साहब परफॉर्म करेंगे अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स ठीक है बोलो यसोर नो अगर वो कर पाया तो वेरी गुड कोई टेंशन नहीं है बोलो यस और नो यस उसके बाद अब यहां पे आगे क्या लिखा हुआ है इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू गिव ऑडिटर परमिशन उनका लॉ प्रोहिबिट नहीं करता है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है बट आपको ये जो करना है कैसे करना है आपको विथ मैनेजमेंट परमिशन विद वॉट मैनेजमेंट परमिशन ऐसा डायरेक्टली आप किसी भी लीगल काउंसिल थर्ड पार्टी को जाके बात नहीं कर सकते मैनेजमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा सो so यहाँ पे फिर से दो बातें होगी एक तो मैनेजमेंट परमिशन देगा या तो मैनेजमेंट परमिशन नहीं देगा अगर मैनेजमेंट ने परमिशन आपको नहीं दिया तो कहानी आगे है यहां पे इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू गिव दर परमिशन टू कम्युनिकेट और टू मीट विदिटीनल लीगल काउंसिल और दीगल काउंसिल रिफ्यूजेज टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली क्या हो रहा है यहां पर एक तो मैनेजमेंट ने मना कर दिया या तो लीगल काउंसिल ही मना करता है किसको ये लेटर ऑफ इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करने में उसके ऊपर रिप्लाई देने के लिए बराबर के नहीं तो ऑडिटर क्या करेगा इसके बेसिस पे ऑडिटर इज वॉट देन अनेबल टू ऑप्टेन विथ मैनेजमेंट परमिशन सो अनेबल ऑडिटर इज अनेबल टू ऑप्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मतलब एक तो मैनेजमेंट परमिशन नहीं दे रहा है या तो वो एक्सटर्नल काउंसिल ही रिप्लाई नहीं कर रहा है बॉस बराबर तो इस केस में ऑडिटर को एविडेंस अगर मिलता नहीं है तो वो अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा एज पर एस ए सेवन जीरो फाइव सिंपल ये बात थी उसके अंदर उसके बाद सारे क्लेम्स डिस्क्लोज करे है या नहीं करे है ऑडिटर ने क्या लेना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है राइट right? पढ़ लीजिए एक बार रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट फिर वो जो चार्ट समरी बनाया वो आप लिख लेना फिर

और अपने को मिला है ना मतलब अब क्या हो रहा है तुम्हारा डाउट जो क्या है मैनेजमेंट ने लिख के दिया है हमने सब इनकॉर्पोरेट किया है करके और अपन ने इस स्टैंडर्ड के शुरुआत में ही अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि लिटिगेशन एंड क्लेम है या नहीं है बराबर की नहीं तो आप क्या हो मैनेजमेंट एक लिख के दे रहा है और अपने को एक मिला है इनकंसिस्टेंसी है सो so यहां पे आपको एस ए में यह वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा तो वी विल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स और अकॉर्डिंगली वी विल मॉडिफाई प्रोसीजर्स देन आई वा तो ऐसे फाइव्रेड को छोड़ नहीं देना है, है ना इसको पकड़ के रखना है ओके okay. पढ़ लिया एकदम अच्छे से लिख लो इसको Oh. चलिए सो अब लास्ट पॉइंट अपना सेगमेंट इंफॉर्मेशन सेगमेंट इंफॉर्मेशन ट्राई टू अंडरस्टैंड एक कोई भी बिजनेस ट्राई टू अंडरस्टैंड दे आर इन टू वॉट डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ठीक है ना सेगमेंट्स का मतलब हम लोग लिखेंगे सिंपल भाषा में एरियाज ठीक है जैसे आप अगर देखोगे एक सिंपल कोई भी कंपनी अगर आप देख लो जैसे फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट पार्ले पार्ले एग्रो ये पार्ले किसके किसके अंदर है सो सर ये पार्ले बिस्किट्स बनाता है सही है ना ये पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाता है बराबर है सर ये पार्ले चॉकलेट्स बनाता है बराबर के नहीं कितनी सारी चीजें ये पार्ले बनाता है बराबर है बच्चों बोलो हाँ या ना यस सो so, अब यहां पे आप समझो कि ये इस पार्ले पार्ले मतलब कौन भैया पार्ले एग्रो पार्ले जी वगैरह खाते ना हा सो so, ये जो है ये इनके अलग अलग सेगमेंट्स हो गए तो यहां पे एज पर द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 17 उन्हें क्या करना है कौन से कौन से सेगमेंट्स में आप बिजनेस करते हो उस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन उन्हें देनी होगी दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज सेगमेंट इंफॉर्मेशन जमी क्या बात बोलो आया ना यस सो इसीलिए ऑडिटर शुड ऑप्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर द प्रेजेंटेशन एंड डिस्कलोजर हैज बीन डन प्रॉपरली और नॉट तो बस क्या करना है अपने को सिंपल सी बात है यू ऑप्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथड यूज बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग द सेगमेंट इंफॉर्मेशन कैसे आपने वो सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई किया एंड इवेल्यूएट वेदर सच मेथड आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्कलोजर इन अकॉर्डेंस प्रॉपर डिस्कलोजर हो रहा है क्या नहीं हो रहा एंड टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड्स एंड ऑल्सो परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या है हम लोग पढ़ेंगे आगे ऐसे 520 के अंदर ठीक है सो ये बात ही कि कौन से मेथड्स के थ्रू आपने सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई किया बराबर कि क्या आप किसको अलग सेगमेंट मानते हो नहीं मानते हो डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरिया क्या है उसका बराबर तो उसके बेसिस पे आपने उन मेथड्स को टेस्ट करना है टू फाइंड आउट आपको भी वही वही अलग अलग सेगमेंट्स मिलते हैं या नहीं एंड देन यू डू वॉट एनालिटिकल प्रोसीजर्स ये ये है तो वैसा वैसा सेगमेंट आपकी ये बिजनेस है तो वो वो सेगमेंट्स होने चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे ऐसे 520 में तो सिंपल सी बात है एकदम सो विद विद्लीट विथ वॉट एसे नंबर फाइव जीरो वन ठीक है राइट right. तो फिर हम लोग जो नेक्स्ट ऐसे अपना फाइव जीरो फाइव ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में ठीक है सो आज हम लोग ने बहुत दो इंपॉर्टेंट एसेज पढ़े वो कौन से थे 500 एंड नंबर फाइव हंड्रेड एंड फाइव जीरो नेक्स्ट सेशन दैट इज टो यूल फाइव जीरो फाइव फाइव वन जीरो फाइव ट्वेंटी एंड फाइव थर्टी तीन चार बड़े बड़े एसेज ये सो नेक्स्ट सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा सो वी विल कंप्लीट टी से फाइव थर्टी बराबर चलो थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर